हेलो स्टूडेंट, क्लास फोर सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। तो इसमें हम रिवीजन करना है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आपका कंप्यूटर में रिवीजन देख लीजिए। फर्स्ट आपका फिल द ब्लैंक में दे रही हूँ आपको। फुल फॉर्म आपने पीडीए की फुल फॉर्म आपने बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैश कंप्यूटर्स कैन बी कैरिड इन पॉकेट और अ पर्स। वो कौन सा कंप्यूटर है जिसे आप अपने पॉकेट में यानी कि जेब में अपने पर्स में रख के ले जा सकते हैं। सी है आपका कंप्यूटर दैट पीपल यूज़ वाइल ट्रैवलिंग। तो वो कंप्यूटर्स कौन से हैं जिनको आप अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने साथ उसको कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग के दौरान। दूसरा है आप डी है आपका कंप्यूटर दैट वी मोस्टली सी इन ऑफिसेज एक्सेट्रा आर। तो वो कंप्यूटर्स आपने बताना है कि जिनको आमतौर पर आप ऑफिसेज में आप ज़्यादातर आप क्या करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट आपका एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग इज़ डन यूजिंग कंप्यूटर्स, यानी कि एयरक्राफ्टिंग यानी कि जो आपके एरोप्लेन्स एयरक्राफ्टिंग जितने भी होती हैं उनकी डिज़ाइनिंग जो होती है, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स वगैरह हो गए आपके, तो उनकी डिज़ाइनिंग मेनली किन कंप्यूटर्स के थ्रू की जाती है। नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स। फर्स्ट आपका परम इज़ अ सुपर कंप्यूटर, आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट आपको सुपर कंप्यूटर्स आर अ जनरल पर्पज कंप्यूटर्स, तो बता रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या जनरली हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, तो आपने बताना है ये सही है या गलत। आमतौर पे आप घरों पे देखते हैं सुपर कंप्यूटर्स जनरल है या नहीं, आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट आपका लैपटॉप कंप्यूटर लुक्स लाइक अ सूटकेस, ये कहता है कि लैपटॉप कंप्यूटर है वो सूटकेस की तरह दिखता है, सही है या गलत है। नेक्स्ट आपका लैपटॉप कंप्यूटर लैपटॉप हैव इनबिल्ट रिचार्जेबल बैटरी, जो लैपटॉप होता है उसको रिचार्ज करना पड़ता है आपको, सही है या उसमें बैटरी होती है जिसे आप चार्ज करने पे ही आप यूज़ करते हैं, सही है या गलत है। ई है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ अ पोर्टेबल कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो पोर्टेबल है यानी कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह जगह तक अपने साथ ले जा सकते हैं या नहीं, तो आपको बताना है सही है या गलत है। तो यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स मैंने और ट्रू फॉल्स आपको दिए हैं, आपने ये करने हैं, ठीक है। और आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, इन्हें भी आप रिवाइज कर लीजिए। फर्स्ट है देखिए आपका, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन हैं इसके, ठीक है। तो जिनके नीचे जिन डिजिट के नीचे अंडरलाइन है उसकी आपने क्या बतानी है, प्लेस वैल्यू आपने बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐड करना है, आपने एडिशन की कोशिश करना है, इनको ऐड करना है आपने। मीटर सेंटीमीटर में मिला है यहाँ पे और केजी ग्राम में आपको मिला है, तो आपने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। थर्ड क्वेश्चन आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम है, देख लीजिए यहाँ पर है, मिसेस मल्होत्रा परचेज 1 kg ऑफ शुगर फॉर रुपीज़ 16.50 यानी कि 16.50 की, यहाँ पे डेसिमल है, ये पॉइंट है, ठीक है, डेसिमल यानी कि 16.50 की उसने क्या खरीदी, चीनी खरीदी, ठीक है, 1 किलो खरीदी उसने। 1 किलो की चीनी कितनी आई, 16.50 की आई। फिर उसने क्या खरीदा, 2 kg ऑफ फ्लोर ऑफ राई रुपीज़ 22.40 की क्या खरीदी उसने, आटा खरीदा, फ्लोर मीन्स आटा 2 किलो खरीदा। एंड 1 kg ऑफ एप्पल्स फॉर रुपीज़ 30.75 यानी कि 1 किलो सेब खरीदे वो कितने के थे, 30.75 के, ठीक है। तो शी हैड अ 100 rupees नोट, तो उसके पास 100 रुपये थे, तो फाइंड द अमाउंट लेफ्ट ओवर, तो उसने 100 रुपये अगर दुकानदार को दिए होंगे तो कितने पैसे उसके पास बचे, तो आपने बताना है कि आप इसमें क्या करेंगे, ठीक है। आपको मैं एक बता देती हूँ, बेसिकली आपके क्वेश्चन जितने भी बेस्ड हैं वो आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से ही सारी आपके अभी तक जो आपके एग्जाम क्वेश्चन आए हैं या हमने अभी तक जितना सिलेबस किया है उसमें इसी तरीके के आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आपके इन एडिशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में ही बेस्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन है, रमन गोज टू द मार्केट, रमन मार्केट जाता है विद रुपीज़ 50 rupees यानी कि मार्केट जाता है रमन तो अपने साथ से 50 रुपये लेके जाता है। ही बाइज 1 ball फॉर 5 point है ये, ठीक है, डेसिमल 20 यानी कि 1 ball उसने 5.20 की खरीदी। फिर एक डॉल खरीदी उसने, गुड़िया खरीदी फॉर रुपीज़ 15.70 यानी कि 15.70 की एक बॉल डॉल खरीदी, गुड़िया खरीदी। एंड 1 tea packet फॉर रुपीज़ 15.25 यानी कि 1 chai patti का पैकेट खरीदा वो उसकी कीमत कितनी थी, 15.25 की। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास 50 रुपये थे तो उसने इतना सामान खरीदा तो उसके पास कितने पैसे बचे, तो आपने ये क्वेश्चंस भी करने हैं मैथ्स के और कंप्यूटर भी आप करेंगे। सो की प्रैक्टिसिंग क्लास, थैंक यू क्लास।